हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टिकी हेल्प टिप्स। सो आज हम बात करने वाले हैं कोपा के बारे में, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा बर्निंग न्यूज़ है और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि कोपा से होने वाला क्या है, क्या इससे सच में उन चैनलों पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा जो चैनल किड्स के लिए काम करते हैं, क्या सच में उन पर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और उनके चैनल पर कुछ इफेक्ट आने वाला है जिसकी वजह से उन पे एड्स कम आएंगे, या फिर कोपा है क्या और कोपा को किस तरीके से हमें लेना चाहिए और इससे हमारे चैनल पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और किस तरीके से हम कोपा की सेटिंग में चेंजेस करेंगे और वो सेटिंग जो दी गई है उस सेटिंग में हमें क्या चेंजेस करने हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोपा की सेटिंग के बारे में, अगर आप अपने चैनल पर आते हैं तो आपको टॉप साइड पर दिख जाएगा। अगर आपको टॉप साइड पर नहीं दिखता है तो आपको आना है सेटिंग में। जैसे ही आप सेटिंग में आते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है चैनल का ऑप्शन। चैनल के ऑप्शन पर आने के बाद आप एडवांस सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कोपा की सेटिंग। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको तीन सेटिंग मिलती है, जहाँ पे एक है कि येस सेट दिस चैनल एज अ मेड फॉर किड, आई ऑलवेज अपलोड कंटेंट दैट्स मेड फॉर किड। दूसरा ऑप्शन है नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, आई नेवर अपलोड कंटेंट दैट्स मेड फॉर किड्स। तीसरा ऑप्शन है आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। तीनों चीज़ों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला ऑप्शन है वो इसलिए है कि अगर आप डेडिकेटेड चैनल आपका है वो पर्टिकुलर जो है वो किड्स के लिए है तो आप इस सेटिंग को चूज कर सकते हैं। इसका क्लेरिफिकेशन मैं आगे आपको देने वाला हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी जो वीडियोस हैं या फिर आप मैं अगर एग्जांपल के तौर पे जरा मेरा टेक का वीडियो है, मेरा टेक का चैनल है तो मैं टेक की वीडियोस बनाता हूँ, तो इस तरीके से आपका एंटरटेनमेंट है या अदर किसी भी चीज़ पर आप बनाते हैं चैनल पर किड्स का यूज़ नहीं करते या फिर किड्स के लिए वो चैनल नहीं है तो आप यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, मीन्स आप कन्फ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर तीसरे सेटिंग पर जा सकते हैं और आपके एवरी वीडियो पे ये चीज़ अप्लाई होगी कि आपको चूज करना पड़ेगा सेटिंग में जाके कि मेरा ये जो वीडियो है ये किड्स के लिए है या नहीं है। तो ये रही सिंपल सी सेटिंग और ये है इसके तीनों ऑप्शन जो आपको चूज करना है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोपा है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसके बारे में YouTube ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसा कि कोपा जो है चिल्ड्रेन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है। अब जैसा कि एक्ट से समझ में आ रहा है कि ये कानून है और ये ऐसा नहीं है कि YouTube की तरफ से कोई अपडेट है, ये जो अपडेट नहीं बल्कि एक कानून है, एक लॉ है जिसको YouTube भी फॉलो कर रहा है। अब YouTube क्या फॉलो क्यों कर रहा है, क्योंकि ये है US फेडरल ट्रेड कमीशन FTC जिसकी मदद से ये कानून लाया गया है। कहाँ पे? YouTube के अंदर भी, और YouTube भी इसको फॉलो करेगा। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू FTC ना कि YouTube, आप समझ सकते हैं कि जो फेडरल कमीशन है, ट्रेड कमीशन, उसने ये बात कही है चिल्ड्रन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है किस पे, चिल्ड्रेन पे। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो भी ऑडियंस प्राइमरी बेस्ड है, डिस्क्रिप्शन में उनकी चीज़ें जो भी हैं वो सारी की सारी या फिर जो वीडियोज़ हैं वो प्राइमरी बेस्ड ऑन चिल्ड्रेन है, उस केस पे क्या होगा। उस केस पे ये है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशनल कंटेंट है या फिर उसमें आप कहीं ना कहीं ऑडियंस में या फिर वीडियो में आप बच्चे को यूज़ करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए आप किसी एक्टर या मॉडल को बच्चे के तौर पे लेते हैं, और उसके अलावा जो आपका वीडियो है उस वीडियो में आप टॉयस को दिखा रहे हैं या फिर जो एनिमेशन दिखा रहे हैं जो कि रिलेटेड टू कार्टून दिखा रहे हैं जो कि रिलेटेड टू किससे है, किड से है, उसके अलावा जो आपके लैंग्वेज है उसमें भी आपका बच्चे का यूज़ कर रहे हैं जो बैकग्राउंड में जो वॉइस है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कोई प्लेइंग एक्ट है, कोई सॉन्ग है जैसे कि बहुत हमारे यहाँ चलता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और लकड़ी की काठी लाइक दिस, उसके अलावा कोई स्टोरीज है, कोई पोएम है जैसे कि मैंने आपको पोएम के बारे में बताया, इस तरीके से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं अपने वीडियो में तो वो कोपा के अंदर आएगी, वो चाइल्ड एक्ट के अंदर आएगी और वो जो कंटेंट है वो किड्स कंटेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आती है कि आप इस चीज़ को कैसे क्लेरिफाई करेंगे कि आपका चैनल जो है वो है किड्स बेस्ड है या नहीं है। तो दो चीज़ें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ तो ये है कि आपका चैनल, दूसरी चीज़ आपका है आपके वीडियोस। अगर मान लीजिए आपका एक चैनल है और उस चैनल पे आपके बहुत सारी वीडियोस हैं और उस वीडियोस में कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपने किड्स के लिए बनाया हुआ है, दूसरा चीज़ ये है कि आपका एक चैनल है वो डेडिकेटेड आपके जो चैनल पर किड्स के वीडियोज़ आप अपलोड करते हैं, इन दोनों केसेज में क्या है कि अगर आपके पर्टिकुलर कुछ वीडियोज़ हैं जो कि
आपके चैनल पे किड्स से रिलेटेड हैं तो आप सेटिंग में जाके उसके चेंजेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वीडियोस पे। लेकिन अगर आपका चैनल डेडिकेटेड किड्स के लिए है तो आप उस केस में क्या करना है, आपको पूरे के पूरे चैनल को क्या करना है, ये बताना है कि मेरा जो चैनल है वो चैनल डेडिकेटेड किड्स के लिए है। अब मैं यहाँ बात करूँ, जैसे कि यहाँ पे ये ऑप्शन है येस मेड फॉर किड्स। अब यहाँ मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पे आपने हिडन रखा ये बात और आप नहीं बताना चाहते कि मेरा चैनल डेडिकेटेड किड्स के लिए नहीं है, आप सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप डेडिकेटेड किड्स के लिए बना रहे हैं तो उस केस पे क्या है कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका कमेंट है वो डिसेबल हो जाएगा, आपके जो प्रीमियरली जो वीडियोज़ पे ऐड आते हैं वो बंद हो जाएंगे, उसके अलावा जो आपकी कम्युनिटी है कम्युनिटी टैब है वो आपका डिसेबल हो जाएगा आपका, उसके अलावा जो इंड स्क्रीन है वो भी डिसेबल हो जाएगी, जो आप टैगिंग करते हैं जो आपका ऐड कार्ट है वो भी डिसेबल हो जाएगा, तो इस तरीके से बहुत सारी आपकी नोटिफिकेशन जो होगी वो डिसेबल हो जाएगी। इससे अगर मोटा मोटा देखा जाए तो वो ये है कि जो किड्स के चैनल है उनको कहीं ना कहीं घाटा होने वाला है, किसको लेके, पैसे को लेके, मींस जो अभी अर्निंग उनकी हो रही है वो अर्निंग कहीं ना कहीं लूज हो जाएगी। लेकिन हम सबको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है या फिर हमें अपने दिमाग में ये बात लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें सेटिंग के चेंजेस क्या करने हैं या फिर इसमें ऐसा क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपने किड्स के डाले हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस वीडियोस पे जाके आपको चेंजेस कर देने हैं। हाँ, अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो YouTube ये इसलिए कर रहा है, YouTube का कहना यह कि जो उनका मशीन लर्निंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो कंप्लीट 100% सारे चैनल को चेक करके और वो ये स्पेसिफाई कर सके कि ये चैनल या ये वीडियो किड्स का है। चैनल तो कर सकता है लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियोस की बात की जाए तो वो नहीं कर सकता, इसीलिए यूट्यूब ने ये कहा है कि क्रिएटर खुद ही ये स्पेसिफाई कर लें। हाँ, अगर आप नहीं करते हैं तो वो यूट्यूब कर लेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने आपका चैनल किड्स का है और आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट चैनल किड्स के लिए है और आप यूज़ करते हैं कि नहीं मेरा पैसे के लिए, आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरा ये चैनल किड्स के लिए नहीं है लेकिन आपका चैनल किड्स के लिए है, तो आपको मैं बता दूं कि जनवरी 2020 से अगर आपने ये रूल फॉलो नहीं किया, क्योंकि ये एक एक्ट है, उस केस में यूट्यूब आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन ये एक्शन क्या होगा और इसमें क्या रूल आएंगे, क्या सच में वो कुछ ऐसे कानूनी एक्शन लेगा जिससे कि आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी या फिर आपके चैनल के खिलाफ कुछ एक्शन लेगा, यूट्यूब ने इस पर क्लियर नहीं किया है। यूट्यूब जल्द ही इस पर क्लियर अनाउंसमेंट हो सकता है, कुछ आ जाए। लेकिन जो चैनल इसके अलावा किड्स के नहीं है और वो नॉर्मल चैनल है, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको सिंपल आपको सेटिंग में जाके और कर देना है दिस वीडियो या दिस चैनल इज नॉट फॉर मेड किड, बस सिंपली, और कुछ नहीं करना है। ये तो रही कोपा की बात। अब कोपा मैंने बता दिया, जैसे कि ये कोई यूट्यूब की तरफ से अपडेट नहीं है, ये कानून है जो कि इसको यूट्यूब फॉलो कर रहा है और ये FTC की तरफ से, फेडरल ट्रेड कमीशन की तरफ से है। जैसे कि आप, एक चीज़ मैं आपको इसमें और बता दूं कि जो ये कोपा है, अगर कोपा को देखा जाए तो कोपा जो है ये बना कब था, ये पब्लिश लॉ जो है ये है 105-277 और ये 21 अप्रैल 2000 को 19 ईयर्स इसको हो चुके हैं जब ये बना था, और ये यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस जो थी उस टाइम पे ये बनाया गया था और ये रूल बेसिकली US का है लेकिन इसको अप्लाई किया जा रहा है सारी जगहों पे। अब एक चीज़ और आती है कि जो ये लॉ है, इस लॉ पे एज रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि एज रिस्ट्रिक्शन जो US के अंदर है, किड्स किसको माना जाता है, जो 13 अंडर 13 एज है उनको किड्स माना जाता है, लेकिन अदर डिफरेंट कंट्रीज में ये डिफरेंट रूल्स हैं। इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट है, इंडिया में एज की रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, तो इस केस में हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो लॉ है इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या वहाँ पे रखना है। एज अ क्रिएटर देखना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें हम वहाँ पे देंगे क्या हमें स्पेसिफाई करना है, अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो YouTube की मशीन लर्निंग उसे स्पेसिफाई करेगी, लेकिन सबसे पहले हमें ही कर लेना है कि सच में क्या ये जो हमारा चैनल है या फिर पर्टिकुलर वीडियो है ये वीडियो किड्स के लिए है या नहीं है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नहीं जान पाएंगे और आपको लेटेस्ट वीडियो छूट जाएगी। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सच में आपको लगता है कि कोपा के आने से आपके चैनल पे ऑडियंस कम आएंगे या फिर आपके चैनल पे पैसे कम आने वाले हैं या फिर आपकी अर्निंग जो है वो अब डिक्रीज होने वाली है, और क्या सच में आपको लगता है कि कोपा से आपको कुछ फायदा होगा या क्रिएटर को फायदा होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ इससे यूट्यूब का ही फायदा हुआ है, क्रिएटर का कुछ भी नहीं। ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।